ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं श्री कृष्ण की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई की कहानी लेकर आई हूँ। महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारिका में राज्य किया। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधो का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरण समझा और धनुष तानकर एक तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ उनके शरीर में घुस गया और उनके देहवसान का कारण बना। ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए सांप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि के सांप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया और गांधारी के सांप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे शिकारी ने श्री कृष्ण को बाण से मारा था उसे आज मालवा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर आज एक मंदिर है और पेड़ के नीचे श्री कृष्ण की एक प्रतिमा है जिसमें वे लेटे हुए हैं। उनके पास ही जरा नाम के शिकारी की प्रतिमा भी है जिसमें वह हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। ओम कृष्णाय नमः।